सजा फिर से पार कर दी। इस बार का निशाना बनने वाले पुलिस के दलेर अफसर सिफत गयूर थे, जो सदर रोड पर वाके एफसी हेडक्वार्टर से निकले ही थे कि एफसी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर उन्हें रुकना पड़ा। इसी असना में ताकुब में लगी गाड़ी से मुबैना खुदकश हमलावर ने उतरकर उनके करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। आप इससे निकले सर जी? तो ये गया जब तो ट्रैफिक को अलर्ट स्टॉप किया तो हमारे लेफ्ट साइड पे डीन ये प्लाजा जो है उस साइड पे ये आजमी खड़ा था, मैंने खुद देख लिया, वो एकदम ब्लास्ट उसने अपने ब्लास्ट किया। फिर लोगों ने हमको पकड़ लिया, नहीं छोड़ता था साहब के लिए। बस ये हमारे पास बदकिस्मती है कि हम भी मर जाए तो अच्छा है, हमारे साहब के दिन हम उसके पास जाएंगे यार। खुदकश धमाके के नतीजे में सिफत गयूर के गनमैन और दो राहगीर भी लुकमाए अजल बन गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। एफसी के कमांडेंट की हैसियत से फराइज सर अंजाम देने वाले सिफत गयूर कई अहम ओहदों पर फायज रहे। पिशावर के सीसीपीओ के अलावा वो गिलगित बल्तिस्तान के आईजी भी रहे। पुलिस सर्विस में आने से पहले सिफत गयूर ने 14 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में खिदमत सर अंजाम दी। दहशत गर्दों के खिलाफ हर ऑपरेशन में वो जवानों से एक कदम आगे ही रहते थे। सिफत गयूर के हवाले से इतना बताता चलूं कि बड़ा बेबाक, निडर और बहादुर जो हमारा यहाँ पे ऑफिसर था, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उसने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की और उसने ये जिहाद किया और उसके साथी भी जो उसमें शहीद हुए, हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। बहादुरी, ईमानदारी और मोहब्बत की सिफात से माला माल सिफत गयूर तहरीक पाकिस्तान की अजीम शख्सियत सरदार अब्दुल रब निश्तर के पोते और साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के बिरादर नस्बती थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिर्फ पुलिस के जवान ही नहीं बल्कि बहादुर ऑफिसर्स भी शामिल हैं और सिफत गयूर भी उन्हीं में से एक थे। कैमरामैन आमिर अली शाह के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पिशावर। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के सरबराह सिफत गयूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो सरदार अब्दुलरब निश्तर के पोते और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब शेरपाओ के बिरादर नस्बती थे।